बेसिकली आपको हिप फायर एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको हिप फायर को पहले अच्छे से समझना पड़ेगा, कहाँ कहाँ आपको हिप फायर यूज़ करना चाहिए और कहाँ कहाँ आपको हिप फायर यूज़ नहीं करना चाहिए एक्सेट्रा। पहले ये जानते हैं कि हिप फायर होता क्या है। बेसिकली बिना ADS इंग यानी बिना स्कोप से फायर करने को हिप फायर कहते हैं। इसमें आपके शॉट्स लेस एक्यूरेट होते हैं ADS फायरिंग से ज़्यादा बुलेट स्पीड की वजह से, बट ये सब क्लोज रेंज में मैटर नहीं करता। बट वेट, एग्जैक्टली कितनी क्लोज रेंज में ये बुलेट स्पीड मैटर नहीं करता, इस वीडियो को अच्छे से देखो। मेरे सामने जो एनिमी है वो 20 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस में है और ना ही वो मुझ पर फायर कर रहा है और ना ही वो जिगल दे रहा है, और मैं उसे हिप फायर और जिगल से डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? बट क्यों? मेरा फर्स्ट मिस्टेक है कि मैं उसे हिप फायर से फायर कर रहा हूँ, और अगर वो एनिमी मुझ पर ADS पे फायर कर देता तो अब तक मैं डाउन हो चुका होता। दूसरा मिस्टेक है कि मैं जिगल भी दे रहा हूँ, जिसके वजह से सिर्फ एक ही बुलेट कनेक्ट हुआ, और अगर मैं उसे ADS पे फायर करता तो मैं उसे अब तक डाउन कर चुका होता। लेकिन मेरे अननेसेसरी जिगल से एक फ़ायदा हुआ कि मेरे पीछे जो एनिमी फायर कर रहा था उसका बुलेट ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुए, और अगर उस टाइम पे मेरा नज़र सिर्फ क्रॉसर पे होता तो शायद ही मैं उसे डाउन कर पाता। जबकि मेरा नज़र क्रॉसर पे नहीं था तो मैंने बुलेट हिट डायरेक्शन देख के उसे डाउन कर दिया। तो इससे हमने जाना कि आपको 20 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस वाले एनिमी को हिप फायर से नहीं मारना है। सिर्फ कुछ सिचुएशन में आपको ADS करने को टाइम नहीं होता, तब आप सिर्फ क्रॉसर से फायर कर सकते हो, जिससे आप थोड़ा ज़्यादा स्पीड से अपने कैरेक्टर को मूव कर सको। और दूसरी बात यह है कि आपको सिर्फ क्रॉसहेयर में ध्यान नहीं देना है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका क्रॉसहेयर प्लेसमेंट ठीक हो जाएगा, और आपको क्रॉसहेयर पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपके क्रॉसहेयर प्लेसमेंट ठीक से नहीं हो रहा है तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने प्रॉपर ड्रिल्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। अब सेंसिटिविटी के बारे में बात करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका थर्ड पर्सन सेंसिटिविटी 100 है, 200 है, 300 है या फिर 400 है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी सेंसिटिविटी पे पकड़ कितना है। सेंसिटिविटी के वीडियो जल्दी ही आने वाला है तो सब्सक्राइब कर देना। अब बोर्ड वाला प्रैक्टिस तो आपको पता ही है, क्रॉसहेयर को हमेशा हेड पे रखना है, फायर करते टाइम क्रॉसहेयर को धीरे धीरे नीचे लाना है, ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा तो मैं रिपीट नहीं करना चाहता। अब मेन टिप, जब भी आप किसी एनिमी को हिप फायर से डाउन करो तब इंस्टेंटली उसी जगह पे मार्क करो और देखो कि एग्जैक्टली एनिमी आपसे कितनी दूर था। एक्चुअली क्या होता है कि बुलेट वेलोसिटी के वजह से डिफरेंट डिस्टेंस में डिफरेंट तरह से बुलेट स्पीड होता है। जब आप बार बार मार्क करोगे ना तब आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली एनिमी कितना डिस्टेंस से फायर कर रहा है और आपका बुलेट स्पीड कितना होगा। नाउ फाइनल टिप, यूज SMG यानी सब मशीन गन फॉर हिप फायर। देखो जितने भी SMG हैं उन्हें हिप फायर के लिए ही डिजाइन किया गया, इसीलिए ही तो आप जब बाइक पे होते हो सिर्फ SMG को यूज कर सकते हो। और मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप क्लोज रेंज फाइट्स में SMG को ही यूज करो और प्रैक्टिस के टाइम पे भी SMG को यूज किया करो, उससे आपकी क्लोज रेंज हिप फायर एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव हो जाएगा। अब बस प्रैक्टिस करते रहो, यू विल लूज अगेन एंड अगेन, बट यू विल लर्न। मैं हूं अभिषेक और मैं मिलता हूं आपको अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप क्रॉसहेयर प्लेसमेंट की वीडियो देख सकते हो या फिर थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव व्यू की वीडियो।